दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। तो आज की जो जॉब्स की अपडेट है वो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और दोस्तों यहाँ पे ये जो पद भरे जाएंगे, ये पद भरे जाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है। इसमें क्या है कि दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट और स्टेनोग्राफ टाइपिस्ट के ये पद भरे जाएंगे। टोटल दोस्तों ये 28 पद देन के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद रहेंगे और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी। दोस्तों पहला पद हमारे पास है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का। इसके लिए दोस्तों 8 पद रहेंगे और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटे हैं डिसेबिलिटी की। यहाँ पे जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं, लो विजन वाले, उनके लिए 2 पद हैं। डेप्थ ऑफ हेयरिंग के लिए 2 पद हैं। ऑर्थोपेड्रिक के लिए 2 पद हैं। लर्निंग एवं मेंटल एवं डीप ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पे 2 पद हैं। दोस्तों इसके लिए जो सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5,910 से लेकर 20,200 तक प्लस ग्रेड पे इसमें 1950 दिया गया है। क्लास 3 का यह पद रहेगा। दोस्तों जो अगला पद हमारे पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये 8 पद हैं और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं। यहाँ पे क्या है, जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं उनके लिए 3 पद हैं, लो विजन वालों के लिए, डेप्थ ऑफ हेयरिंग वालों के लिए 2 पद हैं, ऑर्थोपेड्रिक के लिए 2 हैं, लर्निंग एंड मेंटल एवं डीप ब्लाइंडनेस के लिए 1 पद है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो अगला हमारे पास पद रहेगा वो रहेगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट का। यहाँ पे ये दोस्तों 4 पद हैं और अलग अलग दो अलग अलग कैटेगरी में बांट रखे हैं 2-2 पद कुछ तरह। दोस्तों अगला पद हमारे पास रहेगा दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का, ये पद है 1 पद रहेगा और हर कैटेगरी के लिए 1-1 पद दिया गया है। दोस्तों अगला पद हमारे पास स्टेनो टाइपिस्ट का, ये 4 पद है और 1-1 पद हर कैटेगरी का रहेगा। क्लास 3 के दोस्तों ये पद रहेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से ये पद दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इसके लिए जो योग्यता क्या रखी गई है, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी 10+2 होनी चाहिए या आपके पास मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास होनी चाहिए और साथ में आपकी ITI होनी चाहिए और 1 वर्ष का जो ITI में सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए और या तो आपके पास इसके समकक्ष कुछ और होना चाहिए जैसे पॉलिटेक्निकल वगैरह होनी चाहिए या डिप्लोमा आपका होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए हम बात करें टाइपिंग स्पीड, यहाँ पर टाइपिंग रखी गई है 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये दिया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम जो अगले हमारे पास पद है जैसे जूनियर ऑफिसर अकाउंट के हैं और स्टैंडर्ड टाइपिस्ट के ये पद हैं। इसके लिए दोस्तों हम बात करें यहाँ पे क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी BCOM होनी चाहिए और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली जैसे टैली की आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। दोस्तों जो अगला पद हमारे पास यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड टाइपिस्ट का, इसके लिए क्या है दोस्तों आपके 10.2 पास होने चाहिए और आपको जो है आपको क्या है कि जो अंग्रेजी में जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है 60 वर्ड पर मिनट और हिंदी में क्या है 60 वर्ड पर मिनट दोनों की होनी चाहिए और टाइपिंग दोस्तों आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में 25-25 वर्ड होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपको दस्तावेज क्या लगाने हैं। आवेदक को हिमाचल प्रदेश का आप हिमाचल प्रदेश के बोनोफाइड होने चाहिए। आवेदक को आप आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार 18 वर्ष जो आपकी एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है। और दोस्तों इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा के में आने वाले आवेदक को कोई भी TDA नहीं दिया जाएगा। इस तरह के पूर्ण आवेदन पत्र को 15/6/2022 को या पहले आपको जमा करवाना होगा कार्यकारी निदेशक विद्युत भवन HPSBL शिमला 4 के एड्रेस पे आपको जाके भेजना होगा। और आवेदक जो ट्राइबल एरिया के हैं उनके लिए 26 तारीख रखी गई है और निश्चित तिथि के बाद आपका कोई भी आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ये इन्होंने फॉर्मेट जारी किया है कि इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रारूप है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों 15 जो नॉन ट्राइबल एरिया वाले हैं उनके लिए 15 तारीख और जो ट्राइबल एरिया वाले हैं उनके लिए 26 तारीख तक आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हो और आपको जमा फॉर्म करवाना होगा जो कि कार्यकारी निदेशक HPSBL विद्युत भवन शिमला 4 के एड्रेस पे। तो दोस्तों ये थी हमारे पास आज की जॉब्स की अपडेट। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए बन रही है हिमाचल फॉर एवर के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।